तो भाई लोग ये देख लो, सिद्धू भाई पूरा पैसा वसूल रहे हैं। शेयर करो, इतना शेयर करो कि आज इस बार कम से कम 50 लाख कमाए। यार किसी ने सही कहा है, कभी कभी ना अनप्लान्ड ट्रिप प्लान ट्रिप से भी जबरदस्त हो जाता है। कल रात 11 बजे मुझे मेरे भैया का फोन आता है कि सुबह 8 बजे मेरे घर पहुंच जाना, तो मैं अपने भाई के साथ ऊंचा पुल से चले जाता हूँ सीधे अपने भैया के घर। तो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज है संडे और आज का दिन बड़ा गजब का होने वाला, बिकॉज हम जल्दी उठ गए थे सुबह 7 बजे और अभी आए हैं मामा के वहाँ। यहाँ पहुँच के मुझे पता लगता है कि हम जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर, जो कि यहाँ से हल्द्वानी से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। सुधांशु भाई हमारे साथ चल रहे हैं और भैया गाड़ी चला रहे हैं। भैया के हो हल्द्वानी के? घोड़ाखाल मंदिर जाने के 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि यह हमारे इष्ट देव गुरुजी का मंदिर है और काफ़ी शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पे इसकी काफ़ी मान्यता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर यहाँ पे कोई सच्चे दिल से विश मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है। और दूसरा कारण है यहाँ से व्यूज़। यहाँ से आपको टॉप व्यूज़ बहुत अमेजिंग देखने को मिलेंगे और यहाँ से भीमताल लेक भी साफ दिखाई देती है, तो इसे भीमताल लेक पॉइंट व्यू भी बोला जाता है। तो भाई लोग, आप लोगों को पता है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है और ये रहा हमारा गुलजू का द्वार। यहाँ से चलते हैं मंदिर के अंदर और अमेजिंग वादियाँ हैं। आज वेदर भी काफी अच्छा है। आओ ना व्यूअर्स को। तो भैया ये देखो, हमने घंटी भी ले ली है, भूल गए थे हम लाना। तो चलिए मैं आपको मंदिर के घंटियों के पीछे की भी एक कहानी सुना देता हूँ। मैंने सुना कि जब आप मंदिर में जाते समय घंटी बजाते हो तो आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। उसी प्रकार से जैसे आपने स्पाइडरमैन मूवी में देखा होगा कि इच्छाधारी मकड़े के ऊपर से वो काला भूत निकल जाता है जैसे ही वो चर्च की बेल बजने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं कि मंदिर में जाते वक्त घंटी बजानी चाहिए और आते वक्त घंटी नहीं बजानी चाहिए। यहाँ मुख्य तौर पर वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ होती है, बिकॉज लोकल्स और टूरिस्ट भी यहाँ देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर में आपको बहुत सारी घंटियाँ देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे लेटर्स देखने को मिल जाएंगे। मान्यता यह है कि यहाँ आके लोग घंटी चढ़ाते हैं और साथ साथ में कुछ अपनी जो भी विश मांगनी है उसे लिख के यहाँ टांग देते हैं। यहाँ पर अच्छे से आप गुरु देवता की पूजा कर सकते हो और अपनी विश मांग सकते हो। तो भाई लोग बढ़िया करके दर्शन हो गए, अभी हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा नीचे चलते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं लेक व्यू रेस्टोरेंट। यहाँ डिसाइड करते हैं कि अब हम भीमताल रुकेंगे। व्यू का मजा लेते लेते हम खा रहे हैं बन मक्खन। हालांकि बन की शक्ल थोड़ी खराब सी लग रही है, जैसा भी है जो भी है, अब खा लेते हैं इसे। अब भीमताल कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है। लोग कहते हैं कि बहुत पुराने समय में जब यहाँ पे सूखा पड़ गया था, तो जब पांडवास यहाँ हिमालय की तरफ आ रहे थे तो लोगों ने पांडवास को अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो भीम ने अपने गधा से हिट करके यहाँ पे पानी उत्पन्न कर दिया था, तो ये पूरा ताल बन गया था उसकी वजह से, और इसीलिए इसको भीमताल कहते हैं। और भीमताल का जो सेंट्रल अट्रैक्शन है वो है ये बीच में आइलैंड। अब इस आइलैंड को देखते ही हमारे अंदर का कीड़ा जाग गया और हमने डिसाइड किया कि अब हम इस आइलैंड में जाएंगे। तो भाई लोग, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं उस कैफे में जो मैंने आपको दिखाया था, तो चलते हैं अंदर। कैसा है कैफे में? अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली गया नहीं हूँ अभी तक वहाँ। तो भीमताल में अगर आप आ रहे हो तो इस कैफे जरूर आना, ये कैफे बहुत अमेजिंग है, मैंने ऐसा सुना था, तो आज चल के देखते भी हैं। भाई लोग ये बता रहे हैं कि कैफे में जाने के लिए 100 रुपीज़ पर हेड एंट्री भी है साथ साथ में। पहले तो आपको वोल्ट का चार्ज देना है, उसका 100 रुपीज़ का भी देना है। इस आइलैंड में बेसिकली एक तो एक्वेरियम है और एक कैफे है। अगर आपको यहाँ जाना है तो उसके लिए आपको पहले वोट लेनी पड़ती है, साथ साथ में एंट्री फीस भी देनी पड़ती है। भैया वोट कौन पकड़ेगा? वो निकल गया, देखो रुको रुको रुको, इनको निकलने दो पहले, फिर जाएंगे। अब सीधा लो तो भाई लोग, ये वोट हमारी लगी है पार्किंग में और हम जा रहे हैं यहाँ पे टिकट ले लेते हैं। तो भाई लोग ये पहुंच गया हम एक्वेरियम, और ये आपको यहाँ पे कैफे मिल जाएगा और साथ साथ में एक्वेरियम भी है। तो पहले मछलियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है यहाँ पे, उसके कैफे में बैठ के कुछ खा भी लेंगे। एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये थी कि काफ़ी बड़ा एक्वेरियम होगा और काफ़ी सारी फिशेज देखने को मिलेंगी, बट थोड़ा सा उल्टा हुआ। फिशेज इतनी सारी नहीं थी, बट यहाँ पे कहा जाता है कि जो फिशेज हैं वो काफ़ी अलग प्रजाति की हैं। इतना डिटेल नॉलेज तो मुझको भी नहीं है फिश में।
आ गए कैफे के, देखते हैं क्या क्या मेन्यू में और फिर ऑर्डर करते हैं। भाई लोग ये है सीन यहाँ पे, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी के लिए थोड़ा स्पॉट बना के रखा हुआ है और अच्छे खासे खासे यहाँ पे जैसे देखोगे ये सिंगल कपल के लिए है और काफी अच्छा यहाँ पे व्यू पॉइंट भी अच्छा दिख रहा है मुझे। तो अगर आप आते हो तो एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो भाई लोग ये हमने मंगा लिया पास्ता और हमारी आई है दो कैपेचिनो और एक आइरिस क्रीम लेटो मेरी, और फटाफट खाते हैं पास्ता और बताएं क्या क्या सीन है भाई। और उसके बाद लगेंगे हम सीधे रास्ता कहाँ को, घर को और कहाँ। अब पास्ता टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। व्हाइट सॉस पास्ता मंगाया है हमने यहाँ पे। और तो कुछ कहो या ना कहो, इस लेक व्यू के साथ कॉफी पीने और खाना खाने का मजा आ जाता है। एक अच्छी चीज ये भी है यहाँ पे कि ये लोग ना प्लास्टिक वाली चम्मच नहीं दे रहे हैं, लकड़ी वाली दे रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। तो भाई लोग ये देख लो, सिद्धू भाई पूरा पैसा वसूल रहे हैं। 8-10 फोटो खींच दिए इसी एरिया में उन्होंने, 8-10 तो नहीं 20-25 कम से कम खींच दिए होंगे। तो भाई कैफे से निकल गए हम, यहाँ से जाते हैं अपनी बोट में वापस भीमताल की जमीन में, वो हल्द्वानी की तरफ निकलते हैं। और तुम करोगे? मैं करूंगा, तुम्हारी एक्साइज आई आज। तो गाइस ये कैफे को कह रहे हैं अलविदा। तो भाई लोग हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे शोर पे बोट के थ्रू, ये देखो हम पहुंच गए भैया। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हमारा कैफे का सफर होता है खत्म। अभी यहाँ से हम जाते हैं दूसरी जगह की ओर, और फिलहाल ये माल खाते हो तुम बीच में क्यों है यूट्यूब में, और क्या ये हमारे भाई बढ़िया माल खाते हैं यूट्यूब में। ये पॉपुलर है, हमारे इनको ना इतना वो कर दो, इतना वो शेयर करो, इतना शेयर करो कि आज इस बार कम से कम 50 लाख कमाए। अरे क्या बात है, मेरी तरफ से 101 रुपए की राशि इनको दी जाती है। ये रहा वो कैफे जहाँ हम गए थे, और ये उसके सामने व्यू पॉइंट पे हम आ गए हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे विक्टोरिया डैम, जो कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। ये सामने है विक्टोरिया डैम पूरा, जो पानी जा रहा है नीचे को हल्द्वानी की तरफ जाता है पानी, और इसी डैम के साथ में मंदिर भी बना हुआ है। तो भाई लोग ये है भीमताल, और भीमताल में जब भी आपका आना हो तो आप यहाँ जा सकते हो कैफे में, बीच में जो आइलैंड कैफे है। और हमारी गाड़ी आ गई है भैया, इधर 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 थोड़े बहुत लोग भवरी गए हैं यहाँ पे।